आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो मिल्क शेक। उसके लिए हमने ये 4 ओरियो के बिस्किट लिए हैं और ये 250 ml दूध लिया है। तो बिस्किट का हम ये क्रीम वाला साइड अलग कर देंगे, 2 बिस्किट का ये अलग, इनको हम क्रश कर लेंगे क्योंकि इससे हमने गार्निश करना है। ऐसे पॉलिथीन में डालेंगे और बेलन से हल्का हल्का उसको क्रश कर लेंगे। इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे, ऐसे इसका पाउडर सा बना लेना है। सबसे पहले हम ब्लेंडर जार में दूध डालेंगे जो ये हमने 250 ml लिया था। अब जो ये बिस्किट हैं इनको भी क्रश करके डाल देंगे। और ये 3 स्कूप हमने वेनिला आइसक्रीम ली है, ये भी डाल देंगे इसमें। जार बंद करेंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए आप ओरियो मिल्क शेक को सर्व करते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो गई सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम चॉकलेट सॉस डालेंगे। ये चॉकलेट सॉस भी होममेड है, इसकी वीडियो लिंक स्क्रीन पे दिया गया है। ये हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। थोड़ा इसको ऐसे फैला देंगे। अब इसमें ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डालेंगे और इसके ऊपर जो हमने बिस्किट क्रश किए थे उससे हम गार्निश करेंगे इसको। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, ओरियो मिल्क शेक। ये सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।